तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजी बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? प्रीति के लिए सोल्जर है सबसे लकी, सोल्जर का लक चलेगा एक बार फिर से। कहते हैं ना कि आपकी किस्मत में जो लिखा होता है आपके साथ वही होता है, एकदम सही कहते हैं। जहां हमने ऐसे बहुत सारी फिल्में देखी हैं जिसमें हमने किस्मत कनेक्शन के बारे में और अपनी किस्मत पर भरोसा रखने की कहानियां देखी हैं, जब असल जिंदगी में ऐसा होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला होता है। और लगता है कुछ ऐसा ही हुआ है बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल प्रीति जिंटा के साथ। जी हाँ, प्रीति जिंटा, जिन्होंने हमें ना जाने कितने ही सुपरहिट फिल्मों के साथ एंटरटेन किया है। दरअसल बॉलीवुड में दिल से फिल्म के साथ डेब्यू कर चुकी थी। इस डेब्यू के बाद आई उनकी सुपरहिट फिल्म सोल्जर। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दरअसल दिल से के रिलीज होने से जहां प्रीति जिंटा का डेब्यू हुआ, वाकई में प्रीति जिंटा ने अपनी फिल्म सोल्जर को इससे पहले ही साइन कर लिया था और सोल्जर शूटिंग भी दिल से पहले ही खत्म हो गई थी। लगता है कि उनकी किस्मत में जो उनकी पहली साइन की गई फिल्म थी वही सुपरहिट होने वाली थी और सोल्जर फिल्म से हमें प्रीति को अपने दिल में बसा लिया। जी हाँ, प्रीति जिंटा का दरअसल इस फिल्म में नाम ही प्रीति था। तो अब देखने वाली बात यह है कि जहाँ सोल्जर उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा लकी फिल्म साबित हुई थी, क्या अपने इस लक को फिर से दोहराते हुए प्रीति जिंटा बनने वाली है सोल्जर के सीक्वल का हिस्सा। आपको बता दें कि सोल्जर फिल्म अपने सीक्वल के साथ वापसी करने वाली है और इस फिल्म के लिए हर जगह फैंस की बेसब्री देखने वाली है। यह सोशल मीडिया तक में हर जगह सोल्जर के सीक्वल की बातचीत चल रही है। अगर प्रीति जिंटा एक बार फिर से होती है सोल्जर का हिस्सा तो ये हो सकती है उनके करियर के लिए एक और बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। अब वाकई में ऐसा होता है या नहीं, यह देखने के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। लेकिन एक बार फिर से प्रीति को सोल्जर फिल्म का हिस्सा बनते हुए देखना होगा यह वाकई ही काफ़ी दिलचस्प। लेकिन समय ही बताएगा कि प्रीति वाकई में बनती है सोल्जर की हीरोइन एक बार फिर से या नहीं। लेकिन तब तक के लिए फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो काम करने के लिए फिल्मी दुनिया में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर जरूर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे जरूर से जरूर लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।